छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट द्वारा महावीर खेल मैदान पोटिया रोड बोरसी में दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट 4 फरवरी को प्रारंभ हुआ। इस दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन रविवार को किया गया, जहां विजेता टीम व खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई है। हाँ, नमस्कार। ये दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए दो दिवसीय जोन स्तरीय डिस्ट्रिक्ट स्तरीय टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसमें 3 टीमें भाग ले रही हैं, अंबिकापुर, मुंगेली और दुर्ग। इस मैच को पहली बार इस ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है स्वर्गीय श्रीमती प्रिया जाधव जी की स्मृति में और स्वर्गीय श्री देवेंद्र साहू जी की स्मृति में ये आयोजन किया जा रहा है और ये पहला प्रयास है। आगे इसमें और भी टीमें जुड़ेंगी अगली बार से काफी बृहत स्तर पर इस प्रोग्राम को करने का। इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में छोटी जगहों पर भी जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनको कोई मंच नहीं मिल पा रहा है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, उनके लिए ये इस तरह के आयोजन हम करते हैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट की तरफ से, ताकि वो बच्चे पल करके आए, अपने भरोसे पल करके आए और इस आयोजन में हमारे जुड़े, ताकि हमको राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट जीते हैं उनके लिए तैयार कर सके। खिलाड़ी हमारे पास आगे चले जाएंगे, अभी तक कम से कम 70-75 खिलाड़ी हमसे इस टूर्नामेंट की बाबत जुड़ चुके हैं। बहुत उत्साह आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे जो मैच चल रहा है उसमें बच्चे जिनका एक हाथ है या एक पैर है वो बड़े उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं और बड़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं, मतलब अंबिकापुर के एंड से उतरे एरिया से भी बच्चे हमारे पास आज कॉन्टेक्ट कर रहे हैं।